नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार कैरी हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल में। हरियाणा विधानसभा की सुगबुगाहट के साथ ही लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है और आज हम पहुंचे हैं बहादुरगढ़ में। जी हां, बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों का हाल जानेंगे। आप देख सकते हैं इस समय हम बहादुरगढ़ की सर छोटूराम धर्मशाला में मौजूद हैं और यहां पर पहुंचे कुछ लोगों से हम बात करना चाहेंगे और जानेंगे उनके विचार कि बहादुरगढ़ को लेकर के वो क्या सोचते हैं, बहादुरगढ़ विधानसभा में उनकी क्या राय है, किसको पसंद करेंगे। जी हां, राम राम भाई साहब। भाई साहब, क्या लगता है बहादुरगढ़ में कौन मजबूत है? भाई कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी। आपको क्या लगता है भाई साहब? भाई साहब यहाँ तो नफे सिंह राठी मजबूत। नफे सिंह राठी। भाई साहब आपकी क्या राय दोस्त? भाई बुल्लड़ के चांस हैं, वो बहुत ज्यादा समाज सेवी आदमी, बढ़िया गरीबों के लिए काम कर रहा है उसके। आपकी क्या राय दोस्त? जो भाई साहब ने कही बिल्कुल वो है। मतलब सोच समझ गा रहे हो, बता रहे हैं बिल्कुल। आपकी क्या राय है? जो भाई ने जो कहा वही सच्चाई है। जी जी जी। वैसे आपकी क्या राय है, कौन सी पार्टी अच्छी है, कांग्रेस या भाजपा? फिर मैं बाहर से हूँ, यहाँ से नहीं। वैसे भी फिर आपकी राय क्या है, कांग्रेस अच्छी भाजपा? नहीं, कांग्रेस भी अच्छी है, बहुत बढ़िया काम किए कांग्रेस ने, पहले बढ़िया काम किए हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ और साथियों से जानना चाहेंगे। भाई साहब क्या हाल है? बहुत बढ़िया भैया। क्या नाम है? जतिन। कहाँ से हो? कसार से। कसार से। क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी अच्छी है बहादुरगढ़ में? बीजेपी। बीजेपी अच्छी है। हाँ जी जी। और देखिए इस समय यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है और जो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं, आइए उनसे भी जिस तरह से यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया रहा है। जी भाई साहब, आपने रक्तदान किया है? हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी। पहले भी कर चुके हो? हाँ, दो तीन बार। दो तीन बार। अच्छा, राजनीति को लेकर के कुछ सोचते हो आप? इंटरेस्ट नहीं है? नहीं है। कोई दल अच्छा लगता है आपको? नहीं, कोई भी नहीं। कोई दल अच्छा नहीं लगता, सॉरी। वैसे आपकी क्या राय है? किस बारे में भाई साहब? किस पार्टी को आप अच्छा मानते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं? भाई साहब सारी पार्टियां एक जैसी हैं, लेकिन जो राजनीतिक समीकरण है ना, हाँ, उस हिसाब से बीजेपी को ही आना चाहिए वापस। जी 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 जी। और देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है और यहाँ पर कुछ लोग जो रक्तदान शिविर में पहुंचे हुए हैं उनसे हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे रक्तदान शिविर इस छोटूराम धर्मशाला में भी लगाया हुआ है और तमाम जो रक्तदाता है वो यहाँ पर अपना पंजीकरण भी करा रहे हैं। भाई साहब क्या लगता है आपको, बहादुरगढ़ की जो राजनीतिक हवा है वो किस तरफ है? देखो जी, राजनीति से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, हम एक आम नागरिक है। वेरी गुड। और हम सिर्फ जो भी सरकार बने, किसी की सरकार बने, निर्दलीय बने या पार्टी की बने, हम सारी सरकारों से एक ही विनती करते हैं कि एक जो देश के अंदर बेरोजगारी है उस पर सरकार गंभीर हो, चाहे कोई भी सरकार हो। और एक जो कर्मचारी जो पेंशन सरकारों ने बंद की 2004 से केंद्र में और 2006 राज्य में, हम सरकारों से अपील करेंगे कि जो भी सरकार आई वो कर्मचारियों की जो पेंशन है उसको बहाल करे, जो कि एमपी एमएलए एक बार दो बार तीन बार जो बनता है वो पेंशन लेता है और जो जन सेवा में 40-40 साल लोग काम करते हैं उनको सेवाएं बंद कर रखी। वैसे आपकी क्या राय, बहादुरगढ़ में कौन सी पार्टी अच्छी है? फिलहाल तो कांग्रेस से सही काम करेगी, क्योंकि बीजेपी की अगर देखा जाए तो वो जिस तरह से उम्मीद थी वो उस पर भी खरी उतरी नहीं है। अच्छा, कांग्रेस से प्रत्याशी है जैसे राजेश जून का नाम लिया जा रहा है, कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार या अन्य और हैं, आप क्या समझते हैं राजेश जून को अगर टिकट मिलती है तो क्या रहेगा? नहीं, मेरे हिसाब से राजेश जून बहुत अच्छे नेता हैं जो मैंने अब तक उनके देखा है लास्ट से 4-5 ईयर में। जी हाँ, और मेरे हिसाब से अगर वो उनको अगर मिलती है तो बहुत अच्छा बेटर होगा, अपनी बहादुरगढ़ के विकास बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, भाजपा प्रत्याशी को हरा पाएंगे? हाँ, पर एक काम के हिसाब से देखा जाए, देखो एक पार्टी अलग चीज होती है, एक उम्मीद अलग होती है कि हमारा जो प्रत्याशी कैसा है, ठीक है ना। तो काम के प्रत्याशी देखा जाए तो हमारा राजेश जून बेटर है। अच्छा, एक खास बात बताओ, आपको राजेश जून बेटर क्यों लगा इतने प्रत्याशियों में से? क्यों, उसका जो हमने देखा कि काम करने का जो तरीका है ना, ऐसे फैमिलियर टाइप का होता है, हर जगह जाके सभाएं करना, ठीक है ना। तो एक फैमिलियर जैसे सदस्य होता है ना, ऐसे घर का बड़ा सदस्य होता है जो पूरी फैमिली को लेके चलता है, तो वो चीज उसके अंदर झलकती है कि हाँ पूरे बहादुरगढ़ वासियों को साथ में लेके चलेगा। अच्छा, राजेश जून ने पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था, 29,000 वोट आई थी, इस बार यदि कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलती है तो मजबूत रहेंगे? हाँ, जब निर्दलीय से इतना हो सकता है तो एक पार्टी है, पार्टी का तो अपने आप में भी एक अलग मतलब क्षमता होती है। एक ऐसे बीजेपी हुई या कांग्रेस हुई, देखा जाए तो आज के तौर पे दो ही मेन पार्टी उभर के आ रही हैं, तो इनमें अच्छी तरह से बेटर वो ही रहेगा। जी जी जी। और देखिए यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, कुछ और साथी भी हैं। जी
जी नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई। रक्त दिया है? हाँ भाई, खून दिया है। कितने पहले भी दिया भाई साहब? हाँ जी बिल्कुल ही हो रहा। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, वाह जी वाह। तो कैसा महसूस होता है आपको रक्तदान करने के बाद? अच्छा अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगा भाई। अच्छा राजनीति की बात करें तो कौन सा दल अच्छा लगता है? राजनीति में तो अपना देश अच्छा लगा, हमने तो कुछ भी अच्छा ना लगा। वैसे भी कौन सी पार्टी को कौन सी को पसंद करोगे? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जो काम करेगा उसी को करेंगे भाई साहब। अच्छा जी, काम कौन कर रहा है, किससे उम्मीद है भाई? आप उठ जाए आपसे उम्मीद हो जाएगी जी, कोई भी उठ जाओ भाई साहब। जी जी जी, चलो सर आपकी क्या राय है? मैं बताया है वहाँ। अच्छा बताया है भाई साहब, आपसे जुड़ना चाहें, क्या राय है आपकी, कौन सा दल कौन सा प्रत्याशी अच्छा है? मेरे लिए तो सारे अच्छे, जो काम करेगा वो अच्छा भाई। तो फिलहाल जो भाजपा का आदमी है वो काम कर रहा है यहाँ? कर रहा है। कर रहा है जी। और दोस्तों हम प्रयास कर रहे हैं लोगों से जुड़ने का, जानने का जो प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो रक्तदाता मौजूद हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की है। और ये इस समय हम छोटू राम धर्मशाला में मौजूद हैं, जो बहादुरगढ़ शहर का एक मेन हिस्सा है, उनसे बात करना चाहेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या लगता है बहादुरगढ़ में जो हवा है वो किस ओर बह रही है? ये राजेश जून की ओर बह रही है। अच्छा जी, राजेश जून में ऐसी क्या खास बात है? राजेश जून पिछली बार भी जो आनंद दिल्ली 29,000 वोट ले गया था जी। और अच्छा सामाजिक आदमी है जी। और हम उसी को सत्य। अच्छा इस बार जो कांग्रेस की टिकट को लेकर के बहुत से लोग मैदान में है, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की टिकट कहाँ पर जाने की संभावना है? राजेश जून को जो राहुल गांधी ने पार्टी में शामिल किया था और आश्वासन दिया था कि टिकट तुम्हारी होगी, इलेक्शन की तैयारी करो, करीब 2 साल पहले जी राहुल गांधी ने कहा था। उस टाइम पर राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे कांग्रेस के जी। अब राहुल जी क्या करते हैं ये समय बताएगा जी। और जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में राजेश जून ने बहादुरगढ़ की सबसे बड़ी जनसभा की थी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के समर्थन में, उसका कितना असर रहेगा? दीपेंद्र हुड्डा की जिन्होंने मदद की थी, खुली मदद की थी, ना को पार्टीवाद था, बिल्कुल स्पष्ट पहला आदमी था जिसने दीपेंद्र हुड्डा का जलसा कराया शहर में, दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं था जिसने जलसा कराया हो शहर के अंदर जी। राजेश जून ने जलसा कराया था। वैसे आप युवा हैं, आपको क्या लगता है, क्या राजेश जून पर यदि कांग्रेस पार्टी दाव खेलती है तो कामयाब होंगे? मेरी माने तो वे 100% कामयाब होंगे, क्योंकि वो एक समाज सेवी है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं यहाँ पे, मतलब कैंप वगैरह लगा के भी युवाओं को भी, और जो जैसे हमारे जैसे युवा भी हैं उनके लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने हल्के बहादुरगढ़ में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे पानी के प्याऊ लगाए हैं हर जगह, वाटर कूलर लगाए हैं हॉस्पिटल में भी, उनको अपने मतलब जो गाड़ी वगैरह लगा रखी है, मतलब जो जिससे किसी को मतलब प्रॉब्लम ना हो, और वो बहुत लोगों से जुड़ाव वाले व्यक्ति हैं, सभी को एक उससे उसको समझते हैं। और मेरी माने तो इस बार यहाँ पे राजेश जून की सरकार बनेगी। बाद आपकी क्या राय है भाऊ जी? जी जी। और देखिए जिस तरह से ये एक बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं हम तमाम लोगों से जो यहाँ मौजूद हैं, तव राम राम। कौन सी सरकार अच्छी है? कौन सी बन जाएगी वो अच्छी है, जो काम करे वो अच्छा। हाँ तो आपने क्या लगा, कौन सी पार्टी अच्छा काम करेगी भाई? बस समय बताओगा, टिकट मिलेगी जब बतावांगे, वो बनेगा पार्टी बनेगी कि ना बनेगी। जी जी, मतलब आप भी अभी इंतजार में हो, टिकट किसको मिलेगी, कौन प्रत्याशी मैदान में होगा? वो तो मेंबर आएंगे तभी। जी जी, जब तक तस्वीर क्लियर नहीं होती है तब तक नहीं जी।